बालाघाट जिले की बहुचर्चित तहसील बारा सिवनी में आज मंगलवार को भाजपा, कांग्रेस, बसपा, गोंडवाना और निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपने अपने नामांकन दाखिल किए। इस दौरान सभी पार्टियों ने अपनी अपनी ताकत दिखाई है। प्रत्याशियों के समर्थन में उमड़ी भीड़ को देखकर ही अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है कि आखिर चुनाव के परिणाम क्या होंगे। विदित हो कि बारा सिवनी विधानसभा इन दिनों इसलिए भी चर्चित है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के साले संजय मसानी ने भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा है और संभवतः इसी मंशा के साथ दामन थामा है कि वे बारा सिवनी विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं। वहीं पार्टी नेतृत्व को इस बात का भी आभास है कि ये सीट कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी प्रदीप जायसवाल की कर्मभूमि है। श्री जायसवाल के दिवंगत पिताजी के समय से इस सीट के लिए लगातार मेहनत की गई और उनके गुजरने के बाद प्रदीप जायसवाल ने इस विधानसभा का नेतृत्व भी किया है और लगातार इस विधानसभा में काम भी किया है। ऐसे में कांग्रेस नेतृत्व के लिए फिलहाल ये सीट किसी धर्म संकट से कम नहीं है। वहीं भाजपा प्रत्याशी योगेंद्र निर्मल के लिए भी ये समय बहुत संकट वाला होगा क्योंकि जहां संजय मसानी भाजपा में रहते हुए विगत 10 वर्षों से जहां आम लोगों के बीच लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज कराते रहे हैं लेकिन भाजपा से टिकट न मिलने की नाराजगी के चलते कांग्रेस के खेमे चले गए हैं। ऐसे में श्री मसानी के समर्थक किसे नुकसान पहुंचाएंगे ये भी एक बड़ा सवाल है। वहीं भाजपा की सीट से चुनाव लड़ने की मंशा के साथ लगातार मेहनत करने वाले युवा उम्मीदवार गौरव पारधी भी भाजपा से टिकट न मिलने के कारण निर्दलीय नामांकन दाखिल कर रहे हैं और वो भी क्षेत्र में अपनी मजबूत पकड़ रखते हैं। तब ऐसी स्थिति में ये कहना बहुत ही मुश्किल होगा कि भाजपा प्रत्याशी के लिए ये रहा बहुत ही आसान होगी। इसके साथ ही बसपा ने भी आज नामांकन के दौरान जैसे दमदारी का परिचय दिया है इसको भी कतई नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वहीं गोंडवाना का झंडा भी आज बारा सिवनी में लहराते दिखा है। कुल मिलाकर कोई भी प्रत्याशी किसी से भी कम नजर नहीं आ रहा है। अब ये तो भविष्य ही तय करेगा कि बारा सिवनी विधानसभा का ताज जनता किसे पहनाएगी। फिलहाल शक्ति प्रदर्शन और अटकलों का बाजार गर्म है।